अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर झांसी में एक 17 साल की लड़की के साथ सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कथित तौर पर मारपीट और गैंगरेप की घटना सामने आई है। इस मामले में 8 युवक आरोपी पाए गए हैं। आरोपियों ने इस पूरी घटना का एक वीडियो भी बनाया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 युवकों की तलाश अभी भी जारी है। सभी आरोपियों पर पॉक्सो, आईटी एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम लोग अब तक 5 अपराधियों को तत्काल रूप से गिरफ्तार कर लिया है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य लोग गिरफ्तारी हो चुके हैं। इसके साथ साथ इन सभी लोगों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। 3 लोगों के नाम और प्रकाश में आया है, उनके भी गिरफ्तारी है। तो अलग अलग दिशाओं में 4 टीमें रवाना हो चुकी हैं अब तक, वो भी अगले 24 घंटे के अंदर वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। ये घटना पॉलिटेक्निक कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में जो हुई थी, और थाना सिटी में जब लड़की एवं उनके परिवार के माध्यम से हमें कंप्लेंट मिला था, तत्काल FIR दर्ज किया गया था। लड़की की उम्र 17 साल की है। शायद किसी कोचिंग सेंटर जाने के रास्ते पे ये सारी घटनाक्रम हुई थी। मौखिक रूप से अगर देखा जाए हॉस्टल भी बंद है, लेकिन कुछ लोगों को इस बीच में रहने के लिए भी एक छूट दी गई थी, तो फिर उसकी वजह से चाबी पहुँचा था। तो उनको देखते हुए अग्रिम कार्रवाई करने के लिए प्रिंसिपल से भी बात हुई थी, और प्रिंसिपल का भी तहरीर लिया था इसमें, स्टाफ का भी तहरीर लिया था। और मेरे ख्याल से भविष्य में ऐसे घटनाएं रिपीट ना होने के लिए, जैसे उन्होंने सुझाव दिया था कि पाठ्यक्रम पे इसका काउंसलिंग सेशन होना है, ये सारी चीज़ हम लोग सुनिश्चित करा देंगे।